डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के चैप्टर्स में जो नेम रिएक्शन है उनके बारे में। आज दो रिएक्शंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले बात करें हम क्लेजन श्मिट रिएक्शन की और उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, हमने लिया है यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज़ बेंजल्डिहाइड और अभिक्रिया हो रही है इसकी एक ऐसे एल्डिहाइड या हम इसकी जगह कीटोन भी ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। और किसकी उपस्थिति में हम कर रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। और इसकी अभिक्रिया से हमें यहाँ पर मिलता है अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स जो एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमने यहाँ पर क्या लिया है। तो परिभाषा क्या हुई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब कभी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड या तो एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ संघनित होकर के तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्रॉस एडोल कंडेंसेशन नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, किस तरीके से क्रियाविधि को हम समझेंगे। सबसे पहला पद जो है इस मैकेनिज्म को हम जो हम समझा रहे हैं क्लेजन श्मिट के अंदर, वो है यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। जैसा कि आपने पिछले रिएक्शंस में भी देखा होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ आज इसमें एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको प्रेजेंट कर रही हूँ मैं इस तरीके से एक H लगाकर। चूँकि हमने बेस यहाँ पर लिया है और बेस OH नेगेटिव से शो कर रही हूँ मैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसको हाइड्रोजन को और पानी का अणु यहाँ पे एलिमिनेट होगा, रिमूव होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, ये कार्ब एनायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने में हमें हेल्प करता है। अब ये तो बना कार्ब एनायन स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप टू के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर, चूँकि हमारा मेन कौन है इसमें, बेंजल्डिहाइड, इसको AR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, C6H5 भी आप लिख सकते हो, COC यहाँ पर हाइड्रोजन C6H5CHO, ठीक है। और रिएक्ट यहाँ पर अब करेगा हमारे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है दैट इज़ कार्ब एनायन, उससे हम यहाँ पे अभिक्रिया करवा रहे हैं। जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज इस कार्बन से जुड़ता है ऑक्सीजन O नेगेटिव यहाँ पे होगा। कैसे देखो, इस स्टेप को मैं नहीं मिटा रही हूँ, स्टेप थ्री डायरेक्टली अभी यहाँ से समझा रही हूँ मैं कैसे होगा। ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं रहेगा, तो स्टेप थ्री में आप देखो इसमें इसी को कंटिन्यू ड्रॉ कर रही हूँ मैं, C6H5 और O नेगेटिव जो था हमारा इस कार्बन पर, ये H आकर के इसको सेटिस्फाई करेगा CH2 को प्रेजेंटेशन इस तरीके से, जिससे कि हम जो रिमूव कर रहे हैं यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और हमको यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में मिलता है बेंजल एसीटोन। क्यों मिल रहा है ये बेंजल एसीटोन, क्योंकि एज अ हमने यहाँ पे लिया है एसीटोन इसकी वजह से। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना हमारा वो बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, और नाम है इसका बेंजल एसीटोन। तो ये प्रोडक्ट बनता है हमारा कब, जब हमने यहाँ पे कीटोन लिया है क्लेजन श्मिट अभिक्रिया में। ये अभिक्रिया हुई हमारी, और अब मैं बात करूँगी कैनिज़ारो रिएक्शन की। कैनिज़ारो रिएक्शन भी बच्चों यहाँ पर जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं लगभग सेम है, कार्ब एनायन सब में बनेगा, यहाँ पर बेस हम ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो आपको देना है। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया किसे हम कहते हैं, इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देती हूँ अभी, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम इसको, ऐसे एल्डिहाइड जो कहीं पर भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखते हैं, जब उन्हों हम किसी प्रबल क्षार के साथ उनको हम गर्म करते हैं तो इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होता है और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अणु का क्या होगा यहाँ पे अपचयन, और एक अणु का होता है यहाँ पर ऑक्सीकरण। अभिक्रिया को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम एरोमेटिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के हमने लिए यहाँ पर ट्वाइस C6H5CHO, और
काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। और प्रोडक्ट जो बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास अपचयन होकर के बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा बनेगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये तो हुई प्रेजेंटेशन रिएक्शन की। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो यहाँ पर बेस की उपस्थिति में जब अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। स्टेप फर्स्ट, हम इसको हेडिंग के रूप में भी डाल सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे? बेस हमने लिया है यहाँ पर OH नेगेटिव, और एक अणु हम यहाँ पर ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड का, C6H5CHO। अभी पिछली मैकेनिज्म में भी हमने देखा था क्या कि ये अटैक करेगा और एडिशन हो रहा है अभी, है ना, तो ये O नेगेटिव इसके साथ में क्या बना, ये कार्बन हमारा O नेगेटिव, यहाँ पर हम कह सकते हैं AR या C6H5, और ये हमारा OH समूह जो इसने अटैक किया है, और ये हाइड्रोजन। ये तो ही फर्स्ट स्टेप की बात। अब सेकंड स्टेप में ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन के आया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से, अब ये दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करेगा। कैसे? यहीं पे आपको समझा रही हूँ मैं, इसको मैंने मिटाया नहीं अभी, इसको स्टेप टू। तो कैसे होगा इसके अंदर, देखो आप, इसके अंदर ये जो बना हुआ अपना सेकंड मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, C6H5C O नेगेटिव OH एंड H हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा दूसरे अणु के पास, जो बेंजाइल्डिहाइड का हमने दूसरा अणु ले रहे हैं, देखो आप इसमें, और यहाँ हम हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये नेगेटिव दोबारा से यहाँ पर रहेगा, और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये इस कार्बन पे यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, पूरा का पूरा ब्रेक होकर के ये बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड OOH। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा अपने को क्या मिल गया यहाँ पर, बेंजोइक एसिड, और इसके साथ में बनेगा C6H5C, एक हाइड्रोजन का जो हमने ट्रांसफ़र किया था इसके ऊपर, और ये O नेगेटिव। O नेगेटिव कभी भी स्टेबल नहीं है, जब हम इसको करेंगे तो हम ये बनाएंगे 6H5CH2OH। तो प्रोडक्ट हमारे को क्या मिला है, एक तो हमने कहा कि अपचयन हुआ तो अल्कोहल मिल गया, और ऑक्सीडेशन हमने किया है तो बेंजोइक एसिड यहाँ पे मिला है। कल हम दूसरी रिएक्शन और पढ़ेंगे, हमारे पास करीब 4 से 5 नियम रिएक्शन और बाकी है। थैंक यू बच्चों।